الله والله 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون महतरम भाइयों और दीनी बहनों असल वरह वक् सबसे पहले हम आप तमाम तक अपना नेक जज्बा पहुँचाना चाहेंगे कि हमें आप सबसे अल्लाह के लिए मोहब्बत है और इस मोहब्बत के तुफ़ैल हम अल्लाह रब्लमीन से दुआ करते हैं कि किल्लामीन तो हम सब के मसाइल हल फरमा दे हमारी आलू औलाद की हिफाजत फरमा और हम सब को कल़्यामत के दिन अपने अर्श का साया न फरमा जिस दिन तेरे साया के अलावा कोई और साया न होगा आमीन या रब्बिलामीन महतरम भाइयों और बहनों चंद दिनों के बाद हमारे सरों पर नहाय ही शान महीना यानी मुबारक साया फ़गन होने वाला है जिसमें जन्नत के आठों दरवाज़े खोल दिए जाएंगे जहन्नम के सातों दरवाज़े बंद कर दिए जाएंगे, सरकश शयातीन भी जकर दिए जाएंगे क़ैद कर दिए जाएंगे नेकियों के अजर शवाब में इजाफ़ा कर दिया जाएगा जिसकी हर रात ऐलान होगा या बार अक्बिल व या बार अक्सर ए भलाइयों के चाहने वाले आगे बढ़ो और ए बुराइयों के तलबगार पीछे हट जाओ अब तो बस करो जिसकी एक रात हजार महीनों से अफजल है जो उसके खैर से महरूम रहा वो वाकई महरूम इंसान है रोज़ा तिलावत क़ुरान सदक़ात खैरात क़याम और दुआ व इस्तिग़फ़ार पर मुश्तमिल नेकियों के मौसम बहार की आमद आमद है जब हमारे घरों में किसी हर दिल अजीज़ मेहमान की आमद होती है तो हम क्या करते हैं अपने घरों को सजाते हैं उसकी जीनत और ज़बाइश करते हैं चेहरों पर खुशियां मचल रही होती हैं दिल बाग़बाग बाग होता है और मेहमान के लिए अपनी आँखें फर्श राह किए होते हैं क्या ऐसा होता है या नहीं अब हमें जवाब दीजिए कि रमजान की आमद पर हम अपने दिल में क्या कैफियत पा रहे हैं जबकि चंद दिन ही रमजान को बाकी रह गए हैं हम रमजान का इस्तबाल कैसे करें और कैसे इस अदीम महीने की बरकतों को समेटें इसी सिलसिले में आज के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में हम गुफ्तु करेंगे महतरम भाइयों और बहनों हर साल रमदान का महीना आता है और एक महीना बाद चला जाता है लेकिन रमदान से हम में से अक्सर लोग खातिर खा तरीक़े से फ़ायदा नहीं उठा पाते ज़रा ग़ौर करें कितने रमदान हमारी ज़िंदगी में आए होंगे दस रमदान बीस रमदान चालीस रमदान जितने भी आए हों ज़रा दिल को टटोलिए और मन से पूछिए कि इन पिछले रमदानों में हमारी हालत कैसी रही हमारी इबादत की कैफियत कैसी रही हमारा ईमान कैसा रहा हमारी अल्लाह रब्बुल रब्लमीन से नज़दीकी कैसी रही और सबसे अहम बात यह है कि रमज़ान के बाद हमारा तकवा कैसा रहा रोदे की फर्जियत का मकसद तकवा कासूल था ना लाहुम ला तून ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए क्या हमारे अंदर तकवा पैदा हो सका मुझे यकीन है कि हमारी अक्सरियत का जवाब किसी सूरत में इत्मीनान बख्श नहीं हो सकता बहफ़ पिछले रमजानों में हमारी कैफियत जैसी भी रही हो आने वाला रमज़ान कैसा होना चाहिए आइए हम अहद करते हैं कि हम इस आने वाले रमजान को अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतर रमजान बनाएंगे और इस रमजान का खैर ख़ूबी से इस्तबाल करेंगे अगर आप तैयार हैं तो इसके लिए हम दस गुजारशात आपकी ख़िदमत में पेश करेंगे सिर्फ़ दस गुजारशात दिल हाजिर करके और कान लगाकर हमारी बातें सुने कागज़ और कलम अगर हाथ में ले लें और अहम निकात जो होंगे उन्हें कलम बंद कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा ताकि पाबंदी से इन निकात पर अमल करने और उन्हें अपनी ज़िंदगी में बरतने की कोशिश की जाए तो आइए हम इन दस निकात को जानते हैं ताकि उन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में जगह दे सकें और तकवा की सिफत खुद में पैदा कर सकें जो रोदा का खुलासा है पहली गुजारिश गुनाहों से सच्ची तौबा कीजिए अल्लाह के की हक में कोताही हुई है तो उस पर नादिम और शर्मिंदा हों गुनाहों को बिल्कुल छोड़ दें और आइंदा उन्हें ना करने का पुख्ता आजम करें वालिम अभी है फुर्सत तोबा न देर कर वह भी गिरा नहीं जो गिरा फिर संभल गया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें जिनके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए गए थे उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में सौ सौ मरतबा तोबा और इस्तफार करते हैं जब जबकि हम तो गुनाहों में सर से पैर तक डूबे हुए हैं हमें किस कदर तोबा और इस्तार करने की ज़रूरत है इसका अंदाज़ा हम खुद लगा सकते हैं अगर बंदों के हकूक़ में कोताही हुई है तो रमजान के आने से पहले उन उनकूक़ का तस्फिया कर लें किसी का हक मारा है तो उसे चुका दें दिलों में किसी तरह की कुदूरत है की ना कपट है बग्ज़ है हसद है जलन है तो सुलह और सफाई कर लें और अपने भाइयों के कहीं दिल को बिल्कुल पाक साफ कर लें और इसके लिए बेहतर होगा कि अकेले में एक दिन बैठें अपने सारे गुनाहों को नोट करें पहले बड़े गुनाहों की लिस्ट बनाएं, फिर छोटे गुनाहों की उसके बाद बड़े गुनाहों में जो सबसे बड़े गुनाह हैं उनको सामने रखें फिर सोचें कि आखिर कौन सी चीज़ इस गुनाह पर मुझे उकसाती है कौन सी चीज़ इस गुनाह पर मुझे आमादा करती है बेकारी अकेले में बैठना मन की चाहत दोस्तों की सहबत या शैतानी वसाविस असबाब में से जो भी सबब गुनाहों में उलझाए हुए हो सबसे पहले उस सबब से छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें और उस गुनाह के मुकाबले में उसी के जैसे कोई जायज़ काम भी करें क्योंकि अल्लाह गुनाह से रोकता है तो उसी के जैसे जायज़ काम का हुक्म भी देता है और एक अहम और कामयाब तरीक़ा ये है कि ख़ुद पर हम लाजिम कर लें कि अगर मैंने फ़ला गुनाह दोबारा किया तो इतने इतने रुपये सदक़ा करूँगा इमामबी रमतल ने शेयर आलामान्नबला जिल नंबर आठ और सफ़ा नंबर पंद्रह में वहब रहमतुल्लाह अलैह का एक क़ौल नक़ल किया है वहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने नज़र माना कि जब किसी की कीबत करूँगा तो एक रोदा रखूँगा किसी की कीबत हो जाए तो एक रोदा रखूँगा और मैंने अपने आप से नज़र मान लिया चुनाच जब किसी की कीबत करता तो एक रोदा रखता जिसने मुझे थका दिया फिर मैंने नज़र माना कि जब किसी की कीबत करूँ तो एक दिरहम सदका करूँगा फ़मिन हब्ब दराहिम तरक्तुल तरक्बह दिरहम से मोहब्बत की वजह से मैंने गीबत करना छोड़ दिया क्यों इसलिए कि पैसों से हर इंसान को मोहब्बत होती है इसलिए अपने ऊपर लाजिम कर लेने से आसानी के साथ हम बुराई से छुटकारा पा सकते हैं बरत कर देखिए यह पहली गुजारिश रही दूसरी गुजारिश अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमें रमदान का महीना नसीब फरमाए और इसमें क़याम करने और रोदा रखने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह वाले छः महीना पहले से रमदान को पाने की दुआ करते थे मशहूर तबी मुअल्ला बिन बयान करते हैं कि साहबा छः महीना पहले से ये दुआ करते थे कि ए अल्लाह हमें रमज़ान की शहादत नसीब फरमा फिर जब रमदान के बाद नेकियां कर लेते तो पाँच महीना तक ये दुआ करते कि ए अल्लाह तूने हमें जिन की तौफीक अता फ़रमाई है उन्हें कबूल भी फरमा ले वो छः महीना पहले से रमदान को पाने की दुआ करें और हम हैं कि रमदान आने आने को है लेकिन उसके इस्तबाल के लिए तैयार नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्या ख़बर कि आने वाला रमज़ान हमारी ज़िंदगी का आखिरी इस महीना को पा लेना और इसमें इबादत की तौफीक हासिल कर लेना बहुत बड़ी नेमत है सुनिए ये हदीस मुसंद अहमद की रिवायत है और अलामा रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को सही कहा है अहद नबी में बनु कुदा के दो आदमियों ने एक ही साथ इस्लाम कबूल किया उनमें से एक ने शहादत पाई और दूसरे ने एक साल के बाद वफात पाई तलहा बिन आबैदुल्ल रदील तन सहा रसूल हैं अख़ीर में वफात पाने वाले को ख़्वाब में देखते हैं कि वो अपने साथी से पहले जन्नत में दाखिल हो चुके हैं ये मंजर देख कर उनको बहुत तजुब हुआ उन्होंने लोगों को बताया तो लोगों को भी तजुब हुआ जब अल्लाह के नबी सल्ह सामने इसका ज़िक्र किया गया तो आपने फ़रमाया कि अयुदाली के तहजबून तुम्हें तहजब किस बात पर हो रहा है अलह मक हद बद हुना क्या ऐसा नहीं है कि ओ उसके बाद एक साल तक जिंदा रहा लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल आपने फरमाया वदरक रसाम व सला कदा व कदा सजद तन फिसना फिर उसने रमदान का महीना पाया रम़ान के रोदे रखे और साल भर इतनी इतनी रक़ात नमाज़ें पढ़ी लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल या रसूल अल्लाह तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़मा बई न हमा अब अब ममा बई उन दोनों के बीच आसमान और ज़मीन का फ़र्क़ पाया जाता है उन दोनों के बीच आसमान और ज़मीन का फ़र्क़ पाया जाता है इस्लाम में शहादत का आला मकाम और मर्तबा होने के बावजूद सहाबी अपने शहीद साथी पर सिर्फ इस वजह से फोकियत ले जाते हैं कि उन्हें मजीद एक साल की मोहलत मिली थी एक साल की ज़िंदगी मिली थी जिसमें रमजान आया उसके रोदे रखे शब कदर पाया उसमें क़्याम किया और साल भर नमाज़ें पढ़ते रहे इसलिए ये रमजान हमारे लिए गनीमत है कितने लोग इस साल रमदान से पहले वफात पा चुके अल्लाह ताला ने अगर हमें ज़िंदगी बख्शी है तो इन अयाम के बरक़ात से अपने आप को महरूम न रखें क्या ख़बर के आने वाला रमदान हमारी जिंदगी का आखिरी रमदान साबित हो इसलिए आने वाले महीने का खैरखूबी से इस्ताल करें हमारे ऊपर तुल् होने वाला रमदान खैर बरकत का साबित हो हमारे ऊपर तू होने वाला जो चाँद हो वो खैर बरकत का चाँद साबित हो उसे देख कर हमारा दिल शौक़ से उमड़ आए और हमारी ज़बान गोया हो अल बिलअमन वालमान वसलामत वसलाम रबी व रब्ला तू ये चाँद हम पर अमन ईमान और सलामती और इस्लाम के साथ तलु करना एचाद मेरा और तेरा रब अल्लाह ही है तीसरी गुज़ारिश रमदान से मशग़ूल करने वाले जो भी काम हो सकते हों रमदान के आने से पहले उनसे निमट लें उनको ख़त्म कर लें उनसे निमट सकते हों तो निमट लें रमदान में मार्केटिंग करने से हमारा दिल तंगी का शिकार होने लगता है और हम बहुत सारे खैर से अपने आप को महरूम कर लेते हैं और वैसे भी अभी हम करोना के दिनों से गुज़र रहे हैं हमें इधर उधर भड़कने की बजाय घर पर ठहरना चाहिए भीड़ भाड़ इकट्ठा करने से बचना चाहिए इसलिए रमदान और ईद की ज़रूरियात की चीज़ें अगर रमदान से पहले ख़रीद लें तो पूरे तौर पर फारिग होकर रमजान से बेहतर से बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और रमजान की बरकतों को समेट सकते हैं जिन कामों को पहले किया जा सकता हो कर लें और जिन कामों को रमजान के बाद तक टालना मुमकिन हो सकता हो टाल दें चौथी गुजारिश अपने अकीदा की असलाह पर ध्यान दें और ईमान में ताजगी लाएं क्यों इसलिए कि अकदा ही बेस है अकीदा ही बुनियाद है अकदा में खराबी आई तो सारे आमाल अकार होंगे और नमाजों और रोज़ों के अहतमाम के बावजूद वो नमाज़ें और वो रोज़े हमारे चेहरे पर मार दी जाएंगी। जाएँगी बुखारी और सही मुसलिम की रिवायत है अल्लाह के नबी सल्हु वसम ने इशात फरमाया मनसा ममदाना ما تقدم من जम्बे जिसने ईमान के साथ और शवाब की नीयत से रमजान के रोदे रखे शर्त क्या है ईमान के साथ और शवाब की नीयत से ईमान भी हो और इखलास भी हो तब उसके पिछले गुनाह माफ हो जाते हैं मगफ़रत के लिए ईमान की सलामती शर्त है अगर हमारा ईमान सलामत है तो ईमान में ताजगी भी लाए. यानी ईमान को जिला बख्शने वाली किताबें पढ़ें रमदान के आने से पहले पहले या आडियोज़ सुने या वीडियोस देखें ताकि हमारा नफ्स इस महीने से इस्तेफादा करने और इस महीने की बरकत को समेटने के लिए तैयार हो जाए दुनिया की हकीकत मौत के अटल फैसले कबर के अदाब आख़रत के मराहिल, जन्नत की नेमतों और जहन्नम के आदाब के बारे में पढ़ें या सुने कोरोना वायरस को देखिए कि ये तो बेहतरीन सबक़ है हम सब के लिए कि चलता फिरता इंसान अचानक बीमार होता है और चंद ही दिनों में दुनिया से गुज़र जाता है क्या देखते नहीं कि चोटी उलमा और मशाइख हमारे बीच से रुख़त हो गए हैं और हम खुद भी गुजरने वाले हैं ये एहसास हर वक्त हमारे जहन में तारी रहना चाहिए और अगर मुमकिन हो सकता हो तो कब्रिस्तान की जीारत भी करें और अपने आखिरी अंजाम के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहें रमज़ान में अल्लाह वालों के मामूलात में कैसे तब्दीली आती थी और उनकी कैसी कैफियत होती थी इसे भी जानने की कोशिश करें ताकि हमारा भी दिल नर्म हो सके और हमारे अंदर भी नेकी की रगबत पैदा हो नेकियां जमा करने का शौक़ पैदा हो पांचवी गुज़ारिश रमदान और रोजे के फजाइल मसाइल और अहकाम की जानकारी हासिल करें रमदान और रोदे के फ़ाइल को जाने अगर हमें रमदान की अहमियत मालूम ना होगी रोज़ों की अहमियत मालूम ना होगी तो हम इस माह मुबारक से वाकई सही मानों में फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि एक इंसान जहालत में होता है तो बहुत सारे खैर से अपने आप को महरूम कर लेता है उसी तरीके से रमजान और रोज़े के अहकाम और मसाइल की भी जानकारी हासिल करें मुस्तनद आडियोस सुनकर वीडियोज़ देख कर मुस्ंद किताबें पढ़कर, ऑथेंटिक किताबें पढ़कर, ऐसी मजलिसों में शरीक होकर जहाँ रोज़े के अहकाम और मसाइल के बारे में फेखी दुरुस का एहतमाम किया गया हो उसी तरीके से अगर हो सकता है तो इज्तमी शक्ल में घर में बैठ कर अपने घर के अफराद के साथ किताबें पढ़ें कैसे सुनने का एहतमाम करें अभी से ये काम शुरू करें ताकि हकी मानों में हमें रोदा और रमदान के अहकाम और मसाइल मालूम हो जाएं और दीनी बसीरत के साथ हम रमदान का इस्तबाल कर सकें छठी गुजारिश रमदान से फ़ायदा उठाने के लिए मनसूबा बंदी और प्लानिंग करें प्लानिंग ज़रूरी है अगर हम वाकई रमदान से फ़ायदा उठाना चाहते हों तो रमदान में मुख्तलिफ नेक आमाल की अनजामदी की नीयत करें कई मरतबा कुरान करीम ख़त्म करने की नीयत हो शब्बेदारी की नीयत हो सच्ची तोबा की नीयत हो अख़लाको किरदार को संवारने की नीयत हो दीन के लिए काम करने की नीयत हो सदक़ात खैरात की नीयत हो और इन नीयतों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में जगह देने के लिए बाब्ता प्लानिंग करें चौबीस घंटे के लिए एक चार्ट बनाएं, और चार्ट ऐसा हो कि उस चार्ट को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बरतना आसान हो जाए मिसाल के तौर पर एक चार्ट देखिए सबसे पहले नंबर पर इस चार्ट में या इस लिस्ट में आप शामिल करें कि हम शहरी से पहले जगेंगे फिर उस वक्त में वू करेंगे जिस कदर मैसर हो नमाजें पढ़ेंगे और दुआ करेंगे क्योंकि ये वक्त दुआओं की कबूलियत का वक्त है दूसरे नंबर पर अपने लिस्ट में शामिल करें पांच वक्त की फ़र्द नमाजों की वक्त पर पाबंदी करेंगे अल्लाह ताला ने फरमाया इन सलात सला तानी न किताब मकूत नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्द है इसलिए सोने में हमारी नमाज़ें बेवक्त नहीं होनी चाहिए इसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत है फिर नमाज़ों के बाद के अजगार का अहमाम करें नमाज से पहले और बाद की सुन्नतों की पाबंदी करें नमाज वितर की पाबंदी करें और रोज़ाना दुआ का अहतमाम करें कि ये महीना ही मांगने का महीना है इसकी हर रात में इंसानों की गर्दने आज़ाद होती हैं अपने लिस्ट में शामिल करें कि पूरे रमजान नमाज तरावीह का अहतमाम करेंगे अपने लिस्ट में शामिल करें कि हम अपने रिश्तेदारों और गरबा और मसाकीन का ख्याल करेंगे फ़ोन पर अपने रिश्तेदारों की खबर लेंगे उनकी ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे चाहे मादी ज़रूरत हो या मानवी ज़रूरत हो आपसे जिस हद तक हो सकता हो सबकात तो वैरत करें क्योंकि ये महीना हमदर्दी का महीना है गमखारी का महीना है जबकि आज हम देखते हैं कि गरीबों की ज़रूरतें भी ज़्यादा होती जा रही हैं इसलिए हम रमज़ान में सखावत और दरिया दिली से काम लें और गरीबों की मदद करना अपने चार्ट में शामिल करें अपने लिस्ट में शामिल करें कि हम रोज़ाना रोजेदारों को इफ्तार कराएंगे। अगर आपसे मुमकिन हो सकता हो तो को इफ्तार कराएं और अगर इफ्तार का सामान रमदान से पहले मुस्क़ीन तक पहुंचा दें तो और भी बेहतर क्योंकि वो रमदान के लिए तैयारी कर सकेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि जो कोई एक रोदेदार को इफ्तार कराता है उसको रौदा रखने वाले के जैसे जवाब मिलता है और रोदेदार के रोदे में कोई कमी नहीं की जाती अपने लिस्ट में ये शामिल करें कि हम रमदान के एक एक लम्हा से फ़ायदा उठाएंगे। सोने का वक्त तय करें और जितना तय करें उतना ही सोएँ कुछ वक्त निकाल कर डेली इस्लामी कैसिट्स सुने वीडियोस देखें दीनी किताबों का मतलब करें सोशल मीडिया के ज़रिए दावत के काम में शिरकत करें ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेक्चर दें लेकिन कुरानी आयत, अहदीस नबिया ऑथेंटिक वीडियोस और आडियोस तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं ना इसलिए कीजिए और इस बात के फिक्रमंद बनिए कि कम से कम एक आदमी को भी रमजान में मेरे जरिया हिदायत मिल जाए ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि रमज़ान में इंसानी तबियत में फितरी तौर पर कबूल हक़ की सलाहियत पैदा होती है अपने लिस्ट में ये शामिल कीजिए कि हम रमज़ान के आखिरी अशरे में पूरी यकसुई के साथ शब कदर को तलाश करेंगे और इन दस दिनों में इंसानों से कट कर खूब इबादत करेंगे गिर गिराएंगे, रोएंगे दुआएं करेंगे और फितर की अदायगी करेंगे अपने लिस्ट में शामिल कीजिए कि पूरे रमज़ान कुरान करीम से हमारा गहरा ताल्लुक़ होगा कुरान करीम हर वक्त आपके सामने रहेगा एक मर्तबा और दो मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा कुरान खत्म करने का अजम रखें और यह नहीं कि तिलावत की शुरुआत रमजान में करेंगे नहीं बल्कि अभी से शुरू कर दें शाबान के महीना से हम गुजर रहे हैं अमर बिन कैस अलैह के बारे में आता है कि जब शाबान का महीना आता तो अपनी दुकान बंद कर देते और कुरान करीम की तिलावत के लिए ख़ुद को फारग कर लेते थे सलमा बिन कोहैल कहते हैं कि शाबान का महीना कारी का महीना कहा जाता था सिर्फ ये नहीं कि रमदान में हम क़ुरान की तिलावत करेंगे और बस और बगैर सोचे समझे नहीं बल्कि एक मर्तबा हमारी तिलावत ऐसी भी होनी चाहिए कि कुरान पढ़ते हुए क़ुरान में ख़ुद को देखने की कोशिश करें क़ुरान हमारे रब का पैगाम है जो हमारे नाम आया है तिलावत करते हुए एक एक आयत पर ग़ौर करें और देखें कि हमारी ज़िंदगी में क़ुरान किस हद तक उतर सका है हम किस हद तक कुरान के पैगाम पर उतर रहे हैं जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो हमारा मकसद उसे समझना होता है ना न कि की रट लगाना हमारा यही हाल कुरान करीम की तलावत करते वक्त भी होना चाहिए आज हम कुरान पर गौर नहीं करते कुरान पर तदब्बर नहीं करते जो असल में शैतान की एक साजिश है इमाम इब्न हुबैरा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वमिन मकाद शैतान तनफ़ीर इबादल मिन तदब्बर क़ुरान ही अनहुदा वाक़ उनदत तदब्बर शैतान की साजिशों में से एक ये है कि वो अल्लाह के बंदों को तदब्ब्र क़़र्न से दूर रखना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि तदब्बर के बाद उसे हदायत मिलनी है क्योंकि शैतान को पता है कि तदब्बर के बाद उसको हिदायत मिलनी है इसलिए शैतान बंदे को तदब्बरे क़ुरान से रोकता है दूर करता है इसलिए अगर आप अरबी ज़बान जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है एक एक आयत पर गौर करते हुए तिलावत करें और अगर अरबी नहीं जानते तो अपनी ज़बान में मानिए कुरान के साथ कुरान की तिलावत करने की कोशिश करें ताकि हमें समझ में आ सके कि हमारा रब हमसे क्या कह रहा है अजीब तरह की तब्दीली आएगी हमारी ज़िंदगी में अगर हमने ऐसा किया तो बरत के देखें सातवीं गुजारिशवी गुजारिश रमदान के काम अभी से शुरू करते हैं ये इंतज़ार ना करें कि रमजान आने के बाद नेकियां करेंगे नहीं बल्कि अभी से रमजान के काम शुरू कर दें पहले पांच वक्त की नमाज़ों पर गौर करें अगर उन नमाज़ों में कोताही हो रही है तो पहली फुर्सत में उसे दूर करें और एक मुसलमान पांच वक्त की नमाज़ों में कोताही नहीं करता अब्दुल्ला बिन ओबई को देखिए मुनाफ़ था, पांच वक्त मस्जिद नबी में आकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ता था तो एक मुसलमान पांच वक्त की नमाज़ों में कोताही नहीं करता उसके बावजूद भी अगर नमाज़ों में कोताही पाई जाती है तो उस कोताही को दूर कर लें फ़जर की नमाज़ में कोताही पाई जाती है उसे दूर कर लें सुन्नतों में कोताही पाई जाती है उसे दूर कर लें वितर की नमाज में कोताही पाई जाती है उसे दूर कर लें और खुद से अहद करें कि इन अब कोताही नहीं होगी दूसरे नंबर पर अगर पिछले रमदान के रोज़े उधर की वजह से छोट गए थे और अभी तक उनकी अदायगी ना कर सके हैं तो रमज़ान के आने से पहले पहले उन छूटे हुए रोज़ों की कदा कर लें अगर हमारे रोज़े कदा नहीं हुए हैं फिर भी शाबान में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने का अहतमाम करें ये इस्तबाल रमज़ान के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी ज़रा अपने नबी को देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबान के अक्सर दिनों को रोज़ों से आबाद करते थे और सुनसई की रिवायत के मुताबिक हज़रत उसमा बिन जैद रजी अल्लाह तनोंने जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने में कसरत से रोदे रखते हुए देखा तो पूछ दिया था कि यार रसूल अल्लाह आखिर क्या वजह है कि आप शाबान में इतनी कसरत से रोदे रखते हैं तो अल्लाह के नबी सल्ह वम ने उसकी हमत बताई थी कि ये वो महीना है जिसमें लोग गफलत में होते हैं और यही वो महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह के पास पेश किए जाते हैं लिहाजा मेरी चाहत है कि जब मेरे आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास पेश किए जाएं तो मैं रोजे से हूं लेकिन यह बात नोट कीजिए यह बात नोट कीजिए कि पंद्रहवीं शाबान की रात में या उसके दिन में खुसूसियत के साथ अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम और साहब क़राम से कोई भी इबादत साबित नहीं शाबान में ज़्यादा से ज़्यादा रोदे रखें लेकिन ख़ास तौर पर पंद्रहवीं शाबान का अहतमाम करना और उसे शब बरात नाम देना अल्लाह के नबी सल्ह और के क़राम से इस रात में कुछ भी साबित नहीं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन अहदी अमरीना हादा मालई समिन फारद जिसने हमारी शरीयत में कोई नई चीज़ इजाद की जो उसमें से नहीं वो मरदूद है इसलिए बिदात ख़ुराफात से हमेशा अपने दामन को पाक रखें तीसरे नंबर पर हम अपनी आमदनी का हिसाब किताब करें अगर आपके माल में ज़क़ात आ रही है तो पहली फ़ुर्सत में हिसाब लगाकर ज़क़़ के जो पैसे बनते हैं ज़क़़़़़़त का हिस्सा ग़रीबों तक पहुँचा दें अगर हम कोताही करेंगे तो शरीयत की नज़र में मुजरिम ठहरेंगे सही बुखारी की रिवायत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया अल्लाह ने जिसको माल से नवादा फिर उसने ज़क़़त अदा नहीं की तोयामत के दिन उसका माल गंजे सांप की शक्ल में आएगा जिसकी आँखों के ऊपर दो सियाह नुक्ते होंगे ये सांप उसके गले का बंधन होगा और उसके जबरे को पकड़ कर कहेगा मालुक्नजुक मैं हूँ तेरा माल मैं हूँ तेरा खजाना सही बुखारी और सही मुस्लिम की रवायत है हज़रत बहैर रदी अल्लाह तालान बयान करते हैं अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया अगर किसी के पास सोना या चांदी निसाब के बराबर हो और वो उसकी जकवात अदा न करे तो क़ियामत के दिन सोने और चांदी से आग की चादर बनाई जाएगी क्या बनाई जाएगी आग की चादर बनाई जाएगी उसी सोना और चांदी से और उस चादर को जहन्नम की आग पर तिपाया जाएगा फिर उससे उसके पहलुओं उसकी पेशानी और उसकी पीठ को दागा जाएगा अगर चादर ठंडी होने लगे तो उसे फिर गरमाया जाएगा और उसको ये अदाब उस दिन दिया जाएगा जिस दिन की मकदार पचास हज़ार साल के बराबर होगी उसके बाद बंदों के अमलों का फ़ैसला सुनाया जाएगा और ये जकवात ना देने वाला या तो जहन्नमी होगा या जन्नती होगा यानी अपने अमल के हिसाब से अल्लाह अकबर कैसी सख्त वईद है ऐसे लोगों के लिए जो ज़क़़़़़त नहीं देते इसलिए जो लोग अपने मालों पर सांप बने बैठे हैं चाहे को सोना के मालिक हों चाहे रोपये पैसे के मालिक हो। वो होश में आ जाएं और अपने मालों की जकवात का हिसाब करके जक़ात निकाल दें चौथे नंबर पर अगर हम पर हज फर्ज हो चुका है और अब तक हमने हज नहीं किया है तो रमदान के आने से पहले पहले नीयत कर लें कि पहली फुर्सत में जब भी मौका मिलेगा अपने पाकिजा माल से फरीद हज की अदायगी करेंगे अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि किल्लामीन कोरोना की इस आफत को इंसानियत से दूर कर दे ताकि हम हज और उम्र की शहादत हासिल कर सकें आमीन या रकबा आठवीं गुजारिश ये है कि रोजा है कि रोज़े को खराब करने वाले कामों से दूर रहें रोज़ा को खराब करने वाले वसाइल में सबसे ख़तरनाक वसीला जो हमारे समाज में आज कैंसर की हैसियत रखता है डिश टीवी और इंटरनेट है आज इसने घर घर पहुंच हासिल कर ली है बल्कि हमारे साथ में होता है हमारे जेब में होता है और गैर महसूस तरीके से हमारी पूरी फैमिली पर ये निगेटिव असर डाल रहा है जो कोई भी इंटरनेट का रसिया है या टेलीविज़न का दीवाना है ऐसा इंसान सही मानों में रमदान की बरकतों से खातिर खा फायदा नहीं उठा सकता हम ये नहीं कहते कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल ही ना करें इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन करें तो ज़रूरत के तहत और वो भी खैर के काम में इस्तेमाल करते हैं तो जहे हो गिलास में पानी पिया जाता है लेकिन इसी गिलास में एक इंसान शराब भी पीता है आखिर हम शराब क्यों पिए गिलास पानी पीने के लिए है तो हम इस गिलास में पानी ही पिए बस सोशल मीडिया या इंटरनेट इसका इस्तेमाल खैर के काम में करें दावत के काम में करें नाव गुजारिश फदूलियात से खुद को बचाएं। फदूलियात से क्या मुराद है फदूलियात से मुराद ये है कि हम बेकारी में ना लगें बेकारी ना काटें एक मुसलमान के पास वक्त और टाइम पास करने के लिए नहीं होता ज़रूरत के बगैर कोई काम करना ये बेकारी है इसलिए हम ख़ुद को फजूलियात से बचाएं बात करनी है तो ज़रूरत के मुताबिक बात करें कुछ देखना है तो ज़रूरत के मुताबिक देखें कुछ सुनना है तो ज़रूरत के मुताबिक सुने खाना खाना है तो ज़रूरत के मुताबिक खाना खाएं लोगों के साथ उठना बैठना है तो ज़रूरत के मुताबिक उठें और बैठें कितनी चीज़ें हुई पांच चीज़ें हुई इन पांच चीज़ों में बेकारी नहीं आनी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा अगर बात की ज़रूरत से ज़्यादा अगर देखा ज़रूरत से ज़्यादा अगर सुना ज़रूरत से ज़्यादा अगर खाना खाया जरूरत से ज़्यादा अगर सोहबत इख्तियार की तो किसी सूरत में हम रमजान की बरकतों को समेट नहीं सकते रमक रमजान के फैज़ से खातिर खा तरीक़े से फहतियाब नहीं हो सकते गोया हमें अपने कान को भी रोदा रखवाना है अपनी ज़बान को भी रोदा रखवाना है अपनी निगाह को भी रोदा रखवाना है अपने पेट को भी रोदा रखवाना है और अपने दिल को भी रोदा रखवाना है तब जाकर हम सही मानों में रमदान की बरकतों से फ़ायदा उठा सकते हैं फदलियात से ख़ुद को बचाने के लिए सबसे बेहतर इलाज ये हो सकता है कि हम मस्जिद को लाजिम पकड़ें अगर मुमकिन हो सकता है तो क्योंकि मस्जिद में बैठना अजर सवाब का सबब तो है ही कि सात तरह के लोग जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास वी आई पी होंगे और अल्लाह के अर्श का साया पाएंगे उनमें से एक होगा रजुलब मुअल्लकुन बिलमसाजिद ऐसा आदमी जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है और फिर मस्जिद में होने की वजह से हम बुराइयों से बचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकेंगे इसलिए अगर मुमकिन हो सकता है तो मस्जिद को लादिम पकड़ें खुदियात से हम बच सकेंगे दसवीं और आखिरी गुजारिश ये आखिरी गुजारिश होगी औरतें अपने मखसूस एयाम में हमारी दीनी बहने और माएँ अपने मखसूस एयाम में भी इबादत का अहतमाम करें ये नुकता बहुत ही अहमियत रखने वाला है इसलिए ये आखिरी नुक़ँ हम इख्तियार किए हैं ताकि इस पर गौर किया जाए औरतें रमदान में अपना ज़्यादातर वक्त खाना बनाने और मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार करने में सर्फ कर देती हैं हम ये नहीं कहते कि इसमें उनको शवाब नहीं मिलेगा अगर नीयत अच्छी है तो उसमें भी उनको सवाब मिलेगा जबकि अगर प्लानिंग की होती तो उस वक्त को भी नेकी के काम में लगा सकती थी औरतें इस हालत में भी ज़िक्र का एहतमाम कर सकती हैं खाना बनाते हुए ज़िक्र का अहतमाम कर सकती हैं क़ुरान की तिलावत कर सकती हैं और जैसा कि हमने कहा कि अगर नीयत अच्छी हो तो उसमें उनको सवाब भी मिलेगा उसी तरीके से कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो अपने ख़ास एयाम में जिसमें उनको नमाज नहीं पढ़ना होता है रोदे नहीं रखने होते हैं किसी तरह की इबादत का काम ही नहीं करती हालांकि ये बहुत बड़ी ग़लत है ठीक है वो नमाज़ नहीं पढ़ सकती वो रोदे नहीं रख सकती लेकिन इस बात से किसने रोका है कि वो ज़िक्र ना करें इस बात से किसने रोका है कि वो तोबा और इस्तफार ना करें इस बात से किसने रोका है कि वो तिलावत कुरान ना सुने वो कुरान की तिलावत अपने मखसूस अयााम में भी सुन सकती हैं इस बात से किसने रोका है कि वो दुआ ना करें खास कर रात के तीसरे पहर में एक औरत को चाहिए कि इन मखसूस एजाम में भी जाँग कर अल्लाह का ज़िक्र करे तोबा और इस्तार करे अपने लिए अपने वालदेन के लिए अपने शोहर के लिए अपने बच्चों के लिए और आम मुसलमानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ करें महतरम भाइयों महतरम भाइयों और बहन दिल का शरतुल का ये कुल दस गुजारशात थी जिन्हें हमने आपकी खिदमत में पेश की है अगर हमने इन गुजारशात पर ध्यान दिया और पूरे आज़म के साथ हौसला के साथ पुख्ता यकीन के साथ अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इन पॉइंट्स को जगह दी तो आने वाला रमज़ान पिछले सारे रमज़ानों से बेहतर रमज़ान साबित होगा आइए इन गुज़ारशात पर एक हल्की सी नज़र डाल देते हैं पहली गुजारिश तौबा और इस्तिग़फ़ार करें गुनाहों से सच्ची तौबा करें दूसरी गुजारिश अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह हमें रमजान का महीना नसीब फरमा और इसमें क़्याम करने और रोदा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा तीसरी गुजारिश रमजान से मशगूल करने वाले जो काम भी हैं रमदान से पहले अगर उनसे निमट सकते हों तो निमट लें चौथी गुजारिश अपने अकीदा की असलाह पर ध्यान दें क्योंकि अकीदा ही बुनियाद है और ईमान में ताजगी लाएँ ताकि हम सही मानों में रमदान की बरकतों को समेट सकें पाँचवीं गुज़ारिश रमदान और रोज़े के फ़ाइल मसाइल और अहकाम की जानकारी हासिल करें ताकि दीनी बसीरत के साथ रमदान का इस्कबाल कर सकें और सही मानों में रमदान से फ़ायदा उठा सकें छठी गुजारिश रमदान से फ़ायदा उठाने के लिए प्लानिंग करें मनसूबाबंदी करें कई मरतबा कुरान करीम ख़त्म करने की नीयत हो शबेदारी की नीयत हो सच्ची तोबा की नीयत हो को किरदार को सुधारने की नीयत हो दिन का काम करने की नीयत हो सदक़ात खैरत की नीयत हो और फिर चौबीस घंटे के लिए एक चार्ट भी बनाएँ और हमने आठ निकात उस चार्ट में डालने की तलकिन भी की है और सातवें नंबर पर रमदान के काम अभी से शुरू कर दें पांच वक्त की नमाज़ों पर गौर करें रमदान के रोजे छूटे हुए हों तो उनकी कदा कर लें माल में ज़क़ात आ रही है तो हिसाब करके माल की ज़क़ात निकाल दें अगर हम हज ना कर सकें हैं और हम पर हज फर्ज हो चुका है तो हम अहद करें कि पहली फ़ुर्सत में जब मौका मिलेगा तो हज करेंगे और आठवीं गुज़ारिश ये है के रोदा को ख़राब करने वाले कामों से दूर रहें नौवीं गुजारिश ये है कि फदूलियात से भी खुद को बचाएं और बेकारी में ना लगें क्योंकि बेकारी में लगेंगे तो रमदान की बरकतों को हम समेट ना पाएंगे और दसवीं और आखिरी गुजारिश ये है कि ख़वातीन अपने मखसूस एयाम में भी खुद को खैर से महरूम ना रखें और अपने अवकात को इबादत में गुजारें तखीर में हम दुआ करते हैं कि आलमीन तो हमें रमदान के एक एक लम्हा से फ़ायदा उठाने की तोफ़ी अता फ़रमा हमारे लिए आने वाले रमदान को ज़िंदगी का सबसे बेहतर रमदान बना दे और कोरोना वायरस जैसी वबा से हम सबको निजात अता फ़रमा आमीन व सली नबी महमद वाली वसहबी ही वसह